हाय फ्रेंड्स, पुफ फ्लोर ऑटोमन का कवर आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसको मैंने पुरानी जींस से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। ये पुफ फ्लोर ऑटोमन जो है मैंने पुराने कपड़ों से बनाया है और इसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मोटाई ले लेंगे हम 56 इंच और ऊपर से ले लेंगे 13.5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 23 इंच हमें लेनी है। इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसका कवर बनाना। तो ये पुरानी जींस मैंने ली है, पुरानी जींस से मैं इसको बनाने वाली हूँ। पुरानी जींस से आप बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक मैंने लिया है, इसका यूज भी मैं इसमें करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना पुराना कुशन कवर रखा हुआ था तो मैं आज उसका यूज भी इसमें करने वाली हूँ लाइनिंग के लिए। तो ये मेरा कुशन कवर था, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और जितनी मुझे लाइनिंग चाहिए थी उतना मैंने इसमें से पीस ले लिया है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं, मैंने पूरी इसमें लेंथ ले ली है और ये जो पीस है ये मैं ऊपर के लिए यूज करने वाली हूँ। तो इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, 45 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ भी हमें इसकी 45 ही लेनी है। तो अब हम जो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड कर लेना है हमें। फोर फोल्ड करने के बाद हमें 22 पे हमें निशान लगाना है। इस तरह से 22 पे हमें निशान लगाना है। नज़दीक से मैं आपको दिखा देती हूँ, 22 पे निशान लगाना है। इस तरह से राउंड राउंड हमें 22 पे निशान लगाते जाना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, थिक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये पीस हमने रेडी किया है, इसको हमने पेपर में कट कर लिया है पहले। अब हम इसको हमारे पास जो जींस थी उस पर हम इसके पीसेस कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सारी कलियों को हमें इसी तरह से कट कर लेना है, फैब्रिक वाली और जींस पे जो हमने कलियां कट की हैं वो इस तरह से हमने कट कर ली हैं। और ये मैंने लाइनिंग के लिए पीसेस कट कर लिए हैं, जींस से भी कट कर लिए हैं और फैब्रिक से भी कट कर लिए हैं। ये तो जो राउंड पीस हमने कट किया था उस पे हम कलियों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक कली को रख के इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे।
तो सारी कलियों को हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। इस तरह से सारी कलियों को हमने अटैच कर लिया है। अब ये पीस हम लेंगे और सेंटर में इसको भी हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से पीस को रखेंगे और इस पर राउंड राउंड हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर में अटैच कर लिया है। अब हमने लाइनिंग लेनी है और लाइनिंग पे जो हमने पीसेस कट किए हैं ना, उनको हम इसमें ज्वाइंट करते जाएंगे, फैब्रिक वाले भी और जींस वाले भी। पहले हम एक जींस के पीस को इस तरह से रखेंगे, फिर हमें फैब्रिक वाला रखना है, फिर जींस का रखना है। तो इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना है। अब हमें फैब्रिक वाला पीस लेना है और इसमें भी इसको हम रख के स्टिच लगा लेंगे। तो सारे पीसेस को हमें इसी तरह से इसमें स्टिच कर लेना है। तो सारे पीसेस को हमने लाइनिंग में अटैच कर लिया है। तो ये लाइनिंग हमारी बनके एकदम रेडी हो गई है। अब हमें ये वाला पीस लेना है और इस पे हम हैंडल अटैच करेंगे। अब लाइनिंग वाला जो पीस है उसको हम दोनों साइड से पकड़ेंगे और स्टिच लगा लेंगे हम इस तरह से सीधे सीधे। अब स्टिच हमने इसमें लगा ली है, इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला पीस लेना है हमें, इसमें इसको जो है हमारी जो लाइनिंग हमने रेडी की है उसको इस तरह से हम अटैच कर लेंगे और ऊपर जो है स्टिच लगा लेंगे हम इसमें इस तरह से। तो राउंड राउंड इस तरह से हमें इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच हमने लगा ली है, अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से, ओपन कर लेंगे।
अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है इस पे हम जो है पट्टी लगा लेंगे अंदर की साइड, इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इस पे जो है हम स्टिच लगा लेंगे। अब अंदर की साइड इसको फोल्ड करके हुए टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा पीस है वो एकदम रेडी हो गया है। अभी हम इसमें डोरी को डालेंगे, इस तरह से पिन की मदद से हम इसमें डोरी को डाल देंगे इस तरह से। तो पिन की मदद से हम डोरी को अंदर डाल देंगे, इस तरह से हमें डोरी को अंदर डाल देना है। अब हमें एक साइड से इसको निकालेंगे, इस तरह से पिन को अलग कर लेंगे और ये जो कवर है हमारा रेडी हो गया है। अब हमें पुफ फ्लोर ऑटोमन को लेना है और इसमें जो कवर हमने रेडी किया है उसको हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, नीचे जो हमने इसमें डोरी डाली है उसको खींच के नीचे हम बांध देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्लोर ऑटोमन बनके एकदम रेडी है। इसके कवर को निकाल के आप मशीन वॉश, हैंड वॉश आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी तरह की वेस्ट मटेरियल पे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।